So hello guys, welcome back once again to the session of government schemes. In this session, we'll be discussing sovereign gold bond scheme of the government of India that was launched in 2015 along with the Atal Pension Yojana. So Atal Pension Yojana bhi 2015 mein launch hui thi, usi ke saath usi saal sovereign gold bond scheme ko bhi launch kiya gaya by the government of India. So let's start with the objective of the scheme and then let us try to simplify the objective of the scheme, guys. So what is the objective of the scheme? So there are two words here. Number one is gold, number two is bond. So I hope these two words simplify the objective. So gold ka matlab ye hai that this scheme is related to gold, right? And bond ka matlab hum sabko pata hai ki bond kya hote hai. So isme kya hai ki bonds issue kiye jayenge. So do shabd hai yahan pe, ek to gold hai aur ek bond hai. Pehla word ka matlab ye hai that this scheme is related to gold and dusra word ka matlab ye hai ki yahan pe kisi tarike ka koi bond hai jo issue kiya jayega, okay? So basically ये है कि अब गवर्नमेंट के पास क्या है, गवर्नमेंट ने 2014-15 में ये रियलाइज किया कि काफी सारा गोल्ड जो है हमारे देश में आइडल पड़ा है जिसका कोई इस्तेमाल नहीं होता. तो लोग क्या करते हैं, सोना खरीद के या तो रघु भाई बन जाते हैं, 50 तोला करते हैं, या फिर वो पप्पी लहरी बन जाते हैं, अपने शादी पार्टी में पहन के घूमते रहते हैं, घर में पड़ा रहता है, सड़ता रहता है, और घर में पड़े रहने के साथ रिस्क भी होता है कि वो चोरी हो जाएगा या जो उसकी वैल्यू है वो कम हो जाएगी, ओके? सो इन सभी चीजों को दिमाग में रखते हुए गवर्नमेंट ने आम जनता से बोला कि अब आप सोना मत खरीदो, अब आप क्या करो, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम में पैसा लगाओ. मतलब इसमें क्या होगा कि जो भी इन्वेस्टर होगा उसको सोना नहीं मिलेगा, सोने के जो भी प्राइस होगा उसके हिसाब से जो भी एक बॉन्ड दे दिए जाएंगे उसको, राइट? बेसिकली क्या होगा, एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, ठीक है, इन द डिनोमिनेशन ऑफ गोल्ड. ये जो बॉन्ड्स होंगे दैट विल बी इन द डिनोमिनेशंस ऑफ गोल्ड, और वो जो बॉन्ड होगा जो उसका वैल्यू होगा दैट विल बी डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द प्राइसेस ऑफ द अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग प्राइसेस ऑफ द गोल्ड, राइट? सो बेसिकली मैं आपको इन शॉर्ट समझा देता हूँ कि इसमें मैं क्या करूंगा. सपोज कि मेरे को सोना खरीदना है, बट गवर्नमेंट की स्कीम चल रही है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम. अब सोने खरीदने में मेरे को रिस्क है कि मैं उसको रखूंगा कहाँ, वो चोरी होने का डर है और उसकी जो वैल्यू है उसको डिक्लाइन होने का डर है, ओके? तो मैंने क्या किया कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम में गया, वहां पे पैसे लगाया, जितने पैसे का मेरे को सोना खरीदना था और जितने दाम का सोना था उसी दाम का मैंने क्या करा, बॉन्ड खरीद लिया, ओके? तो अब मेरे को सोने की जो रखने की टेंशन थी या जो उसके वैल्यू कम होने की जो प्रॉब्लम थी वो सब खत्म हो गई, ओके? सो आई होप द गाइस ऑब्जेक्टिव इज क्लियर. एंड दीज बॉन्ड्स आर इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा इश्यूज किए जाते हैं. दीज आर द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ओके? These sovereign gold bonds are the government securities, and I hope you all know that government securities are issued in India by the Reserve Bank of India. And ministry is very much clear, the Ministry of Finance, which is headed by Nirmala Sitharaman, and launch year, as I already told you, it's 2015. All right. And now, if you talk about the eligibility, ki kaun ye bonds khareed sakta hai? So any person resident of India, any person who is resident of India, according to FEMA 1999 Foreign Exchange Management Act 1999 के हिसाब से जो भी resident की definition है, resident person की जो भी definition है, अगर कोई भी person उस definition में आता है, then he is eligible to buy the gold. इसके अलावा जो ये eligibility है, ये bifurcated है into Hindu undivided family, individuals. As an individual मैं buy कर सकता हूँ, एक हिंदू undivided family के form में buy किया जा सकता है. इसके अलावा दो तीन words और है वो आप याद रखिएगा, ट्रस्ट, ऑलराइट? इसके अलावा यूनिवर्सिटीज, एंड इसके अलावा वन मोर टर्म, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस. सो ऑल ऑफ दीस आर एलिजिबल चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस. सो बेसिकली जो एलिजिबिलिटी है वो क्या है कि जितने भी पर्सन हैं जो कि इंडिया में रह रहे हैं और दे आर डिफाइंड अंडर द फेमा 1999, दे आर एलिजिबल. और ये जो एलिजिबिलिटी है ये बाइफर्केटेड है इनटू इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ट्रस्ट, यूनिवर्सिटी, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, ऑलराइट? एंड इसमें एक बात और है कि माइनर जो है वो भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन माइनर के बिहाफ पे जो एप्लीकेशन होगी दैट शुड बी फाइल्ड बाय हिज और हर गार्जियन. एंड इसके अलावा देयर इज आल्सो प्रोविजन ऑफ जॉइंट अकाउंट. इसमें जॉइंट अकाउंट भी खोला जा सकता है कि अगर कोई दो लोग हैं जो अपने नाम पे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं, जॉइंटली होल्ड कर सकते हैं, राइट? एंड व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ होल्डिंग? सो मिनिमम इसमें 1 ग्राम होल्ड किया जा सकता है, मैक्सिमम 4 kg फॉर इंडिविजुअल्स एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज, एंड द मैक्सिमम लिमिट फॉर ट्रस्ट, यूनिवर्सिटीज एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस इज हाउ मच, 20 kg. सो गाइस दिस यू हैव टू रिमेंबर. एलिजिबिलिटी आई होप आपको क्लियर हो गई होगी, ऑल्दो मैंने इसको थिंग्स टू रिमेंबर में रखा है,
बट स्टिल आपको मुझे नहीं लगता कि इसको दोबारा पढ़ने की जरूरत पड़ेगी. एंड लिमिट्स ऑफ होल्डिंग दिस यू हैव टू रिमेंबर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम. रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है इन बॉन्ड्स में कितना मिलता है, फ्लैट 2.50% पर एनम. इसमें कोई कम ज्यादा नहीं होता, ये गोल्ड के प्राइसेस के हिसाब से फ्लक्चुएट नहीं होता है. 2.50% पर एनम आपको जो भी आपका इंटरेस्ट रेट होगा, जितना भी आपने इन्वेस्ट किया होगा उसके ऊपर 2.5% पर एनम मिलता रहेगा. टेन्योर इसका है 8 साल का, लेकिन इसमें अर्ली रिडेम्पशन अलाउड है ओनली आफ्टर द 5 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इशू. डेट ऑफ इशू के 5 साल के बाद जो है हम रिडेम्पशन करा सकते हैं. ओके, एंड हु आर द सेलिंग एजेंसीज, कहां कहां पे ये बॉन्ड्स, कहां कहां से बॉन्ड्स खरीदे जा सकते हैं. सो नेशनलाइज्ड बैंक, शेड्यूल प्राइवेट बैंक, शेड्यूल फॉरेन बैंक. सो रिमेंबर वन थिंग हियर कि यहाँ पे स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक का नाम नहीं आया और कोऑपरेटिव बैंक का भी नाम नहीं आया. सो दिस कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम कि क्या स्मॉल फाइनेंस बैंक या फिर पेमेंट बैंक या फिर कोऑपरेटिव बैंक क्या एलिजिबल है टू सेल द सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स. सो दैट टाइम आपको ये ध्यान में रखना है. डेजिग्नेटेड पोस्ट ऑफिस, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड द ऑथराइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस. सो ऑल ऑफ दीज आर एलिजिबल टू सेल the sovereign gold bonds. And these are some other feature, like very important feature is that the TDS is not applicable on the on these bonds. Lekin other jo bhi tax liability hogi wo aapko pay karni padegi. Bonds can be held in demat form and these bonds are tradable also. Ye trade kiye ja sakte hain aur ye gift bhi kiye ja sakte hain, matlab ki ye transferable bhi hain. So remember this also, these bonds are transferable also. Okay, so these are the things guys that you have to remember. So I hope the scheme is clear. So let me summarize the scheme. So government ne kya bola ki aap sona mat khareedo, aap uske usi paise ka sone ke daam pe hi bonds khareed lo jis pe aapko return bhi milega. Kitna 2.50% annum per annum ka 8 saal tak ke liye. In bonds ko issue kaun karega? RBI, because since they are government securities they are issued by the government. Kyunki ye government ki taraf se bonds diye ja rahe hain, to obviously iska issuer kaun hoga? RBI. मिनिस्ट्री बहुत क्लियर है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हेडेड बाय निर्मला सीतारमन. एंड इसके अलावा जो टेन्योर है वो 8 साल का है. एलिजिबिलिटी में क्या है, जो फेमा के अंदर जो भी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया की डेफिनेशन है वो सब एलिजिबल है. एंड एलिजिबिलिटी आर बाइफरकेटेड इनटू हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इंडिविजुअल, ट्रस्ट, यूनिवर्सिटीज एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस. ओके, सो आई होप गाइस दिस स्कीम इज क्लियर. एंड नाउ लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम. So question number one is how much amount of interest rate is provided per annum in sovereign gold bond scheme. Kitna amount of interest rate hai? So it is 2.5% per annum as we have discussed this. And the question number two is what is the maximum limit for a Hindu undivided family member of investing in sovereign gold bond scheme. Jo Hindu undivided family member hai uske liye maximum limit kya hai of the investment. So minimum limit guys 1 gram ki hai jaisa humne padha tha. And for a Hindu undivided family and an individual the maximum limit is how much, 4 kg. Okay, so therefore the correct answer is what, option C, 4 kg. And the question number 3 is with respect to the features of the bonds issued under sovereign gold bond scheme identify the correct statement. So TDS is not applicable on the bonds, this is absolutely correct. These bonds cannot be held in DMAT account. Yes, they can be held in the DMAT account. So this statement is incorrect. These bonds are tradable. Of course, these bonds are tradable and also they are transferable as I told you. Okay. So we have two statements correct here and we have to find the correct statement. So only 1 and 2 will be the correct answer, but options here are wrong. We have to find the correct statements and 1 and 2 are correct. So option A, let us say the option A is only 1 and 2. So therefore option A will be the correct answer. And question number 4, what is the tenure of the bonds issued under sovereign gold bond scheme? So the tenure guys is 8 years and early redemption is allowed after a period of 5 years from the date of issue. Okay, so guys that's it about the scheme. I hope aapko ye scheme clear hai. And if there are any doubts, and this guys scheme is very important because the issuer is RBI, so RBI se related koi bhi exam hoga to obviously ye scheme kahin pe bhi kabhi bhi puchi ja sakti hai. Okay, so milte hain next session mein. Thank you so much for watching. Goodbye, take care.